परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अज हाड़ का महीना प्रारंभ होया। आपां हाड़ कहने आ पर सच्चे पातशाह ने महीने नूं रूप दिता है आषाढ़। कई इलाकों में अजे भी हाड़ के महीने नूं आषाढ़ ही बोलते हैं, जित तक सानूं लगता बांगर च भी आषाढ़ ही बोलते होंगे। ते सच्चे पातशाह महाराज ने महीने नूं आषाढ़ कहा, आ प्लस साड़, इन्ना साड़ पाउंदा है महीना, इन्ना तपदा है महीना। ते सच्चे पातशाह महीने नूं आषाढ़ कहिंदे ने, आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाम ना जिन्ना पास। ये जिहड़ा आषाढ़ दा महीना है किन्नू तपदा लगदा, क्योंकि इहदे च तपश बड़ी पैंदी है। मर कहिंदे जिन्हां कोल नाम नहीं है, जिन्हां कोल सिमरन नहीं है, जिन्हां कोल प्रभु भगती नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं, बंदगी नहीं है, जिन्हां कोल नाम नहीं है, अमृत वेला नहीं है, भजन बंदगी नहीं है, मर कहिंदे उहनां नूं तपदा लगदा है। दो पक्ष तों, एक तां दुनियावी तपश पैंदी है, एक जदों नाम ना जपे ना अंदर ईरखा की पट्ठी मचदी रहिंदी है, ईरखा का द्वैश का तंदूर तपदा रहिंदा है, वह भी साड़ी जांदे सानू। जग जीवन पुरख त्यागै मानस संधियास, जग जीवन जिन्हें सानू जग ते जीवन दिता है, यह भी अर्थ ने, जग जीवन बख्शिश करन वाला, जग जीवन अकाल पुरख परमात्मा, जग नू जीवन बख्शन करन वाला, ये जग की रचना करने वाला, जीवन रूप देने वाला जग जीवन, एक शब्द किन्ने अर्थ हो जाते हैं। वह अकाल पुरख नूं त्याग के भुला के बंदे ते आस रख ली, मानस संधि आस, मानस बंदा, संधि आ भरोसा उहदे ते रख लिया। मार कहिंदे मानस की टेक बिरती सब जान देवन को, एक है भगवान, रखना ते रब ते सी भरोसा, पर मार कहिंदे मानस दे उत्ते इहदी आस बनी, जां रब नूं छड के होर पासे जिंदा भरोसा बनता है वह व्यर्थ है, वह खुआरपना है। सत्संग जी, जग जीवन पुरख त्यागै मानस संधि आस, दोए भाए दद्दे औंकड़ा यइए दलैंकड़ा, दद्दे औंकड़ ईड़ी सियारी एड़े दिलाव, दया पाए बिगू जी, इस तरह भी उच्चारण कर सकते। जदों यइए दे उच्चारण लैने हो ना, दद्दा यइए सियारी किवें पैना बोलना है, एवें नहीं बोलना भी जिवें लिखिया है, नहीं, दद्दा ईड़ी सियारी तो ईड़ी ला दईए, इस तरह बोलना, ये उच्चारण ने पाठ दे। इत्थे दलैंक डबल लावां लगी हुई है, जिन्हों दलावां कहिंदे ने, दया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास। किंदे जिन्ना ने होर पासे दूजे पासे रब नू छड के संसार दे जंजालां विच मोह पा लिया, ते किंदे उन्हां दे गल विच फाई पएगी फास, फाई पाई जानी है, जिन्ना ने रब नू छड के होर ते भरोसा कीता है। वो कहिंदे रब वल्लों उहनां दा स्नेह नहीं है रब नाल, दुनियावी पदार्थां नाल, दुनियावी चीज़ां नाल। कहिंदे जदों दूजे पासे विगुची है गलतान हो गया, स्नेह हो गया, होर पासे लग गया, कहिंदे उहनां दी हालत की होएगी, गल पई सौ जम की फास, उहनां दे गल विच वक्तियां दी फाई पई जाणी। जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखिया, जेहा जिवें दा बीजेगा उवें दा वढ़ना, जे गुरु कहिंदा सिखा तेरा फिर एवें दा 100% होना। सुखमी साहब कर भावें जपजी साहब पढ़ भावें दिन रात जोड़े चार भांडे महान, जे तेरा गुरु कहिंदा फिर तां तेरा साबतब होना है, पर वेख के करिया कर, वेख के बीजिया कर, क्योंकि तेरा गुरु कहिंदा। जिवें दसवें पातशाह का सिख सी भाई लोहरा,
तो दूजे सिख दे उन्हें माया रख ली सी, उन्हें कहा भी चल बाजा वाले का सिख है तू ही तो मैं भी, तो आप की लिखत पढ़त करनी है गुरु के सिखा की कहदी लिख पढ़त गुर भाई आप कहते ठीक है बाजा वाले बिच पै गए। कुछ दिन बाद फिर लारे लाण लग गया लोड़ पई कहते ना है नहीं गे जी है तो उनका काम कर सैट हो गया सी पर जिंदे तो लए सी उनका थोड़ा जिहा डाउन हो गया सी उन्हूं दवे ना कोई राह ना दवे फिर लारे ने तो बाद मुकरन लग गया जदों मुकरिया महाराज उच्ची थान ते खड़े सी आनंदपुर साहिब ते महाराज उच्ची आवाज विच ये शब्द पढ़ते ने पहले पातशाह का धन गुरु नानक देव महला पहला हक पराया नानका पराया हक जेड़ा वरतते ने ना जेडे पराया हक खांदे ने ते मारे कहिंदे ने उन्हां दी गुरु भी हामी नहीं भरदा कोई पीर मुरशद उन्हां दा हामी नहीं भर सकदा उस सूअर उस गाए गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार न खाए मुरदार कहिंदे मरियां दे बराबर है जे तां हिंदू वीर है उन्दे वास्ते गां दा मास जे मुसलमान वीर है सूर दी पूजा कर दे कहिंदे उन्हां वास्ते उस सूअर उस गाए जे गुरु साडा कह रहा है इन्हें भी ग्रंथी सुना रहा है ते ग्रंथी ते लागू नहीं कथा वाचक ते लागू नहीं मैं पाठ करदा मेरे ते लागू नहीं नहीं प्यारिया ये सारिआं वास्ते लागू है जे हा बीजै सो लूणे जिवें दा बीजेंगा उवें दा वढेंगा जे किसे दा हक दबेंगा तो फिर भाई तेनूं तां भुगतना तां पैणा है गुरु तेरा कह रहा है गुरु ने तां सचो ही सच निबड़ा गुरु ने तो सच का पूरा न्याय करे करता उन्हें तो न्याय करना पूरा करना है इस करके डरीए तौबा करिए किसी का हक भी ना महाराज खुआ सियाने कहते किसी हक खाना गंदगी खानी है नहीं खाना चाहिए महाराज ने जो उच्ची आवाज में पढ़िया तो नाल दी नाल हाथ जुड़ के कहिंदा नहीं नहीं मैं दवांगा तेरे सुन लिया ना महाराज उन्होंने सुना के कहा शब्द तो पहले पातशाह का नाल दी ना पता लग गया। एक बारी बसंबर दास दा पुत्र हरि गोपाल आनंदपुर साहब आया तो महाराज है नहीं सी ते शिकार करन गए महाराज सब ही जानते भी कौन आ रहा तो उन्हें किवें उनका शंका निवृत्त करना तो जो महाराज को गया जंगल दे विच ते महाराज ना तो कहिंदे ओ बटेरे का मास खवा रहे सी बाज नूं कहिंदे गुरु गुरु तो दयावान होंदे ने तरस खांदे ने ते सामने नोच नोच के मास खा रहे सिख कहिंदे महाराज संगत संगतां दे मन च गलत फहमी पै जाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहिंदे भी गुरु पर तुसीं तां भलाई करदे हो एक कृपा करके चानना पाओ सारे वो हरि गोपाल भी आया हुआ से गुरु तेग बहादुर तो सिखी लई सुंदे प्यो ने बसंबर का बड़ा परपक सी बड़ी लंबी साखी भाई वीर सिंह ने लिखी है। सो सतसंग जी मुकदी आपां विचार लैणी टूक मात्र महाराज कह लगे भी ये जेडे ने ना दोवें इन्हां दा लैण देण सी जिहड़ा बटेरा इन्हें पैसे लए हुए ते जिहड़ा बाज है ये भी सिख सी वह भी सिख सी पिछले जन्म ते इन्हें कह लगे भी तू भी बाजा वाले का सिख है मैं भी बाजा वाले का सिख हाँ आपां नूं उतबार है कोई गल नहीं हुण बाजा वाले विच पै गए कहिंदे हुण जिहड़ा विच पै गए जिंदी गवाही जिंदे विटनेस पै जाण ते जिम्मेवारी कई बार सरकार गवाही देण वाले नूं चक लैंदी है भी तू भरी सी गवाही बंदे की चल पेश कर उन्हों की उम्र जी महाराज कहते बिच असी हाँ बिच असी पे हुए जिम्मेवार गुरद्वारा जामनी साहब ने गुरद्वारा जाम गुरु जामन बने वह गुरद्वारा इधर सौंदा है गुरद्वारा जामनी गुरु ने जामनी ली है जामनी साहब गुरद्वारा इस करके महाराज कहते जामन असी बने बिच भी बाजा वाला जानता आप बाजा वाले के सिख तो मुकर गया बाद चो भी कहड़ा लिख पढ़त की आप पहला हौली हौली लारे लारे तो बाद जवाब
फिर वह जन्म का साबता मार ने अगले जन्म च किया। सात संघ जी महाराज की अरदास करिए कि अगले जन्म च तो फिर औखा हो जाना अपना काम। एक तो टेढ़ी जून च जाना पैना, नीवी जून च पशु बनना पंछी बनना, उन्हें नालों महाराज साढ़ा इतने ही कर दो नबेड़ा। असी इन्नी समत दो असी किसी का पराया हक ना वरतीए, क्योंकि गुरु जे कहिंदा है साध संगत जी इत्थे बख्शा लांगे तो बख्शे जावांगे, नहीं तो जन्मां दे भागी बन जाएंगे जम्मण मरण। जे हा बीजै सो लूणे, मत्थे जो लिख उवें मत्थे च लिखिया जाणा है। जिवें दा करेगा ना बंदा, कहिंदे ने बंदे दे हाथ मत्थे ते लिखियां ने, बंदे दे हाथ लिखियां किवें ने, ये भी तो विचार करिए ना, लिखियां किवें ने। जो बंदे ने कीता है वो लिखिया गया है, जो लिखिया ना शब्द जेहा बीजै सो लूणे मत्थे जो जो कीता ना वो फिर वो लिखिया गया है। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी दीयड़े पा, वो कलम चल गई फिर उवें दी मत्थे ते, जिवें दा बीजै उवें दा। अगे फिर अगे मारे कहिंदे ने रहण वेहाणी पछोताणी उठ चली गई निरा। रहण कहिए ये रहण रूपी जीवन, ये रहण रूपी जिहड़ी रात साडी जीवन रूपी है बीत गई। तो जो हुण ये रहण रूपी रात मिली सी, जीवन मिलिया सी नाम जपण वास्ते सिमण कर, जदों ना कीता ते कहिंदे उठ चली गई निराश, फिर निराशा लैके गई, क्योंकि नाम तो बिना तो छुटकारा नहीं। कहो नानक के तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा, भजन तो बिना छुटकारा। हुण रहण दे अर्थ ये भी नहीं, रहण रूपी लोक, रहण रूपी लोक दिन रूपी परलोक, जिथे दिन चढ़ के जाना है रहण रूपी लोक, ये भी एक अर्थ ने। ये लोग साडा नाम तो बिना सिमरन तो बिना जदों लंघ गया, उठ चली गई निराश, फिर निराशा लैके जीव गया, क्योंकि नासा तां है कि ना बाणी पढ़ी ना सिमरन कीता ना पुन कर्म। अगे कहिंदे ने जिन को साधु भेटी है सो दरगह होए कलास। हुण साधु दे अर्थ कई तरह हो सकते ने, जिन्हां नूं महाराज जिन्नी कु समत बख्शे। पहले अर्थ साधु साधना करन वाले, नाम जपण वाले, संसार वालों रास होके भी एक साधना है ना, कम कर त्याग करके उहदी ध्यान दे विच बहना, एकाग्र चित होके शरीर नूं जिहड़ा इंद्रियां दी वासना तो दूर रखना, यह भी एक साधना है। भी जिहड़े इंद्रे ने गलतान करदे ने विषय कर, उन्हां नूं रोकना, उन्हां नूं उधर नूं लैके जाणा। फिर असीं नहीं गुर शब्दी मन होड़ीए, गुरु दे शब्द आसरा, गुरु कहिंदे नहीं कहिंदे, यह भी एक साधना है। इंद्रियां दी वासना नूं रोकना यह भी एक साधना है। एक साधु महापुरश होंदे ने बंदगी करदे ने, भी एक आ संगत है जिथे बैठे हाँ इनू भी साधु रूप है, जिथे रोज आके साधना करदे बाणी सुनदे ध्यान चित हो के बैठदे हैं गुरु नाल, ये भी एक साधना है। तो महाराज कहिंदे जिन को साधु, हुण किसी प्रकार भी ला लो, साधु की संगत ला लो, गुरु की संगत ला लो, विषय विकारां तों रोक के साधना करनी, सो दरगह होए खलास, खलास बंद खलासी हो जाएगी, उन्हें पला हो जाएगा, जम्मण मन तो रहत हो जाएगा। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए पिया, महाराज हुण कृपा कर सच्चे पातशाह। देखो एक बेनती रूपी भी शब्द बन जाता है, कर कृपा महाराज मेहर कर, तेरे दर्शनां दी प्यास लग जांदा, ये कृपा कर, इवें भी अर्थ होने, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए पिया, जा महाराज कृपा करो तेरे दर्शनां दी प्यास लगी हुई है। मन जेड़ा चाओ है, मन विच बहबलता है तेरे दर्शनां दी, सच्चे पातशाह सानू दर्शन दिदारे बख्श। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिल करे चातर की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत नावै बिन दर्शन संत प्यारे, दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूरन कर्म होए। ये मर अंदर अबलाखा है साडे अंदर, कृपा करो, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए पिया, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानकी अरदा, हे वाहिगुरु तेरे तो बिना साडा होर दूजा कोई भी नहीं है, यही तेरे सेवक दी अरदा। धन गुरु नानक देव महाराज तेरे सिखां सेवकां दी तुहाडे चरणां च अरदा।
वैसे अखरी अर्थ करांगे तो वो इस तरह होंगे ने भी गुरु नानक महाराज कह रहे हैं दास गुरु नानक कालपुरु तेरे चरणा च अरदास है मेरा तेरे बिना कोई, पर गुरु नानक ही रब है असी सेवक जन उन्होंने चरणा च अरदास करते हैं कि कृपा करो महाराज तुहाडे तो बिना साडा कोई नहीं। किस ही कोई कोई मन निमाणी इक तू क्यों ना मरीजे रोए जान लग चित न आवे। लास्ट पंक्ति इस महीने की आषाढ़ सुहंदा, पहला जो महीना शुरू होया आषाढ़ तपंदा उन्होंने लगता है जिन्हों को नाम नहीं है ते सुहंदा किनू लगता है सोभनी किनू है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवा, कोई कंडीशन नहीं रखी सच्चे पातशाह ने, कोई कंडीशन रखी है तेरे हिरदे विच परमात्मा दे चरण वस जा। एक सिख ने सवाल कर दिता भी चरण की ने गुरु दे ते असी चरण किवें मिसावांगे। 664 अंग दे लगभग बाणी दे शब्द हुंदे ने, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै धारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ते ओ मैनू वीर कहिंदा कहिंदा जी दसो फिर गुरु दे चरण असी किवें मिसावांगे। वेखो कई सवाल एवें दे हो जांदे ने, कहिंदे असीं गुरु दे चरण किवें हिरदे धारांगे, इत्थे चरणां दे अर्थ की ने दसो। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै धारो। ते हुण इत्थे भी आया जिस मन हर चरण निवास, हुण चरण की चरण नाम रूपी चरण गुरु दे, गुरु दे नाम रूपी चरणां दी गल हो रही है। असाड़ सुंदा जिथों प्रकरण सुंदा है शुरू हुंदा है हाड़ दा, उत्थे भी नाम दे नाल संबोधन करदे ने। असाड़ तपंदा तिस लगै हर ना हो ना जिन्ना पा, ते जदों शब्द दी संपूर्णता हुंदी है प्रकरण पूरा हुंदा है। असाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास, ये असाड़ का महीना हाड़ का महीना उनके वास्ते सोभनिक है जिंदे हिरदे विच गुरु दे नाम रूपी चरण वस गए। जो नाम रूपी चरणा का निवास हो जाता है फिर उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझै चितारे, फिर उठता भी वाहेगुरु, सौंदा भी वाहेगुरु, अमृत वेला होया वाहेगुरु, इनान करता भी वाहेगुरु, तुरदा फिरदा वाहेगुरु, गुरु दे चरणा का निवास हो गया। तो नहीं तो आम ही पंजाबी बोली कहते गुरु चरणा नाल जुड़ गया, उदन का नाम जपता रहिंदा है, बाणी पढ़ता सिमन करता, कहिंदे ना गुरु चरणा नाल मतलब गुरु दे चरणा का निवास हो गया उनके अंदर। जिस मन हर चरण निवास उन्हों ये महीना सोभनीक है। गुरबाणी अगाध बोध है, पता नहीं किसी गुर भाई नूं गुरवीर गुरु दे प्यारे नूं महाराज ने ज्यादा समत बख्शी होवे, उन्हूं ज्यादा बोध प्राप्त हो गई होवे शब्दां दी बाणी दी विचारां दी, पर जिन्नी कु महाराज ने बख्शी है टूक मात्र आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णद भिन्न भिन्न तोहे तेती, उन्हां को तेनूं कोई वर्णन कर सकदे ने। तुष बुद्धि है महाराज कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी, बर न साको महिमा जो तिहारी, हम ना कर हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, तुहाडी सिफत नहीं कर सकते साडी तां थोड़ी जी मत है, हम अज्ञान अलप मत थोड़ी बहुत घट मत है। सच्चे पातशाह जी होइयां भुलां दी माफी देनी गुरु की संगत बख्श दवे। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने महीने नूं मुख रखदिआं गुरु के चरणों में चरद हाजरियां भरियां ते बाणी दे पाठ सरवण कीते। सो एक जरूरी बेनती संगतां दे चरणां दे विच है कि आपां सकरान दे दिहाड़े नूं मुख रख के गुरु चरणां च आउंदे, मन लो किते भी आपां जाणे आ कोई प्रयोजन हुंदा उह गल दा, शहर गए भी कोई समान लैण जाणा जी घर गैस्ट आणा, जां कोई घर बण रिहा जी उह समान लैण जाणा मिस्त्री ने मंगाया है जी, तो उत्थे जाके आपां गेड़ा जिहा कट के आ जाइए है ना, तो जिहड़ा समान मंगाया सी उह लै के ना आईए, तो मिस्त्री भी
घर दे भी कहणगे तैनूं भेजिया दे इह काम वास्ते सी वी घर प्रौहणे आ रहे ने चार जी दे फलाना समान फड़ लिया ते गेड़ा जिहा कट के आ गया उहदा सारा प्रशारत मेहनत व्यर्थ चली गई क्योंकि जिहड़े काम वास्ते गया उह कीता ही नहीं। हुण बच्चे अपने जांदे ने ना बाहर प्रयोजन की है काम करना माया कमाना तो उत्थे जाके जो काम करे ना माया भेजे ना तो फिर आप आखांगे की फायदा तेरा जाण दा उत्थे कोई चार पैसे कमाए तो है नहीं तू घर भी छड्डिया असी गल लिया रहे हां इत्थे भी ये महीना साड़ दा महीना हाड़ दा महीना कोई संक्रांत होवे भावें प्रयोजन की सी अपना कि जाके महीना सुनना महीनिया द्वारा की उपदेश है देख मिली भावें ना आने वाले नाल बहुत चंगिया ने संगतां बहुत धन्यवाद तुसीं गुरु कराए पर जिहड़ा प्रयोजन आपां कीता ही नहीं ना हाड़ दा महीना सुनिया ना हाड़ दे महीने दे अर्थ सुने ते गल किड्डी कु वड्डी सी 15-20 मिंट दी गल सी सारी इन्ने टाइम नाल भी उठे सवेरे टाइम नाल उठ के इशनान कीता भी महीना है संक्रांत ते जावांगे गुरु घर ते जे आपां नूं दा लाहा ही नहीं मिलना फल ही नहीं मिलना उह प्रयोजन दा फायदा की होया फिर आपां नूं प्रसार दा फायदा की होया नहीं प्यारे इह गल नूं समझना पैणा है किते भी जाओ किसे भी गुरु घर जाओ कोशिश करो असीं किहड़ा की प्रयोजन लै के जा रहे हां ठीक है गृहस्थी जीवन है इहदे विच समां बड़ा घट है बड़े फर्ज हुंदे ने कईआं ने माल वेरा सांभणा हुंदा है चलो जायज़ है जाणा पैंदा है पर जे बहुता रोज नहीं आपां महीने वाले दिन तां कोई अद्धा घंटा बह जाइए गुरु घर नाले गुरु घर की शोभा नाले अपनी शोभा नाले अपनी सफलता नाले जिहड़ा प्रशारत कीता उहदी सफलता जिहड़ा प्रयोजन कर रहे हैं उहनूं संपूर्णता का रूप दे रहे हैं सी पर नहीं भाई ये चरण आप जी के चरणों च बेनती है समा जरूर कटे कोई नहीं देख मिली चलो जी नाल दी नाल हुण समाप्ति पर जे किते गुरु दी विचार हो रही है तो कोशिश करया करो कुछ मिनट सुन लीए ये संगतां वास्ते विचार सुनाई जांदी नहीं तो बहुत गुरु भाई जिहड़े ने अपने वीर कई पाठ कर लैंदे ने विचार भी समझ लैंदे ने रोज़ नितनेम करदे ने बाणी दे अर्थ भी पता उहनां इस करके आपां कित्थों डेरे तो चल के आए फिर आपां फटाफट तुर गए भावें जाके सौ जाइए आपां उहदे नाल तां 10 मिनट कोई गुरु घर बहि जाए सो इन्नी कु बेनती प्रवान कर